नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ क्विक 25 के जरिए। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS इंफाल। समंदर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। युद्धपोत INS इंफाल हिंद महासागर में घुसपैठ रोकने में मदद कर पाएगा। बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है INS इंफाल। अरब सागर में ड्रोन हमले पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जिसने हमला किया उसने ढूंढ निकालेंगे। MV केम प्लूटो पर शनिवार को ड्रोन अटैक हुआ था। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश वीर साहिबजादों के बलिदान को याद कर रहा है। ये दिन भारतीयों के लिए संकल्प का प्रतीक है। वीर साहिबजादों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के भारत को अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। अन्याय और अत्याचार के बाद भी हम निराश नहीं हुए हैं, ये भारत का समय है। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह और JP नड्डा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा किए जाने की खबरें। कालीघाट मंदिर और गुरुद्वारा में दर्शन किए। लोकसभा चुनाव को लेकर BJP ने तैयारियां शुरू की। BJP हर संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खोलेगी। पार्टी ने 30 जनवरी तक प्रदेश संगठनों को संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खोलने के निर्देश दिए हैं। कल से NCP किसानों के मुद्दों पर निकालेगी रैली। रैली को आक्रोश मोर्चा का नाम दिया गया है। सुप्रिया सुले करेंगी नेतृत्व। डिंपल यादव ने कहा कि हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनकी निजी राय है, पार्टी उनके बयान का समर्थन नहीं करती है। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को धोखा बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि स्वामी प्रसाद को दिल्ली या आगरा में कराना चाहिए अपना इलाज। CPIM के अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर VHP नेता विनोद बंसल का ट्वीट। कहा जिनका नाम सीताराम है वो नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। CPIM नेता वृंदा करात ने कहा कि राम मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन और 12 बजे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर 28 दिसंबर को तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या जाएंगे CM योगी। 29 दिसंबर को राम मंदिर की मुख्य मूर्ति का चयन किया जाएगा। 3 मूर्तिकारों ने बनाई है रामलला की अलग अलग मूर्तियां। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इनमें से 1 मूर्ति का चयन करेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सभी को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी को निमंत्रण मिला है। कुमारस्वामी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। अयोध्या में फिलहाल 20,000 भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ेगी। अयोध्या में मशीनों से प्रसाद वितरण की योजना भी बनाई जा रही है। संसद साजिश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद सुरक्षा पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाह है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। CM नीतीश कुमार को ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ललन सिंह के इस्तीफे पर फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जाएगा। 4 दिन से फ्रांस में फंसा भारतीय प्लेन मुंबई पहुंच गया। मानव तस्करी की सूचना के बाद फ्रांस ने प्लेन को रोका था। प्लेन में भारतीय यात्रियों सहित 303 यात्री थे, जिनमें से 276 यात्री ही भारत पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक POK में आतंकियों को 18 ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। 200 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। POK में ये ट्रेनिंग कैंप अल बदार, JEM, LET और हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से चलाए जा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। कन्नौज एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी सचिन राठी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुर्की के लिए कल रात पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। सिपाही सचिन राठी को पैर में लगी थी गोली।